हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो काम वगैरह मैंने सब कर लिया। आज मैं करूँगी अपनी अलमारी की क्लीनिंग, अलमारी को साफ़ करूँगी और उसके जो कपड़े हैं उसको सेट करके रखूँगी सही से। बहुत कपड़े फैले पड़े हैं सब में, तो बस आज आप लोग के साथ वही शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, कपड़े सेट करते हैं और क्लीनिंग कर लेते हैं अलमारी की। ऊपर वाला अभी नहीं करूंगी, ऊपर वाला बाद में करूंगी और नीचे वाला भी करूंगी, अगर टाइम हो तो करूंगी ऊपर वाला। तो ये वाला जो अलमीरा है ना, ये मेरी शादी का है। इसको कम से कम 10-11 साल हो चुके हैं ये अलमीरा को, और ये मेरी मम्मी ने दिया था। तो ये थोड़ा सा ना पुराना भी हो चुका है और थोड़ा ये आवाज़ करने लगा है अब, पहले नहीं करता था। तो फिलहाल तो बहुत पुरानी है ये। तो अभी तो मैं यहाँ पे ऊपर वाला जो है वो अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर वाले में बहुत टाइम लग जाएगा। ऊपर बहुत सारे ऊपर भी हैं, नीचे भी, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं अभी नीचे वाला कर रही हूँ सेट, और उसके बाद जब ऊपर वाला करूँगी तो सेकंड पार्ट बनाऊँगी वीडियो, तो वो शेयर करूँगी। तो अभी ये कपड़े निकाल लेती हूँ मैं सारे। बाहर देख सकते हैं आप कैसे कपड़े यहाँ पर भरे हुए हैं। मतलब सेट जितना भी करती हूँ ना तो हो ही जाते हैं लोटपॉट, कपड़े जब भी लगा लो तो हो जाते हैं लोटपॉट। तो अब की मैं थोड़ा सा अलग ही करूँगी, क्योंकि हस्बैंड के कपड़े हैं ना वो इधर उधर हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाता है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो हस्बैंड के एक खाना जो ऊपर वाला है ना, वो हस्बैंड के लिए ही सोच रही हूँ, उसमें हस्बैंड के ही सारे कपड़े रखूँ ताकि उनके कपड़े ढूंढने में दिक्कत ना हो। और बाकी नीचे वाले मैं बच्चों के और अपने रखूँगी। और ऊपर वाली ना ज़्यादा गंदी नहीं थी, ऊपर वाली में देख सकते हैं अब ज़्यादा धूल नहीं है, तो बस मैं उसी से ही झाड़ दिया था हल्का सा, और बस उसको झाड़ के चुन्नी को बिछा दिया। और चुन्नी मैं इसलिए बिछा रही हूँ क्योंकि ये जो अलमीरा है वो लोहे की है, तो थोड़ा बहुत जंग वगैरह ना आ जाए तो कपड़ों पे लग सकती है, इसलिए ये मैंने चुन्नी बिछा रखी है, कॉटन की है ये। और ये हैं गर्मी के कपड़े हैं, तो इनको मैं पीछे रखूँगी। तो गर्मी के कपड़े यूज़ नहीं होंगे ना अभी, तो वो बाद में होंगे उस, तो उनको अभी नहीं, मतलब आगे नहीं रखूँगी, पीछे ही रखूँगी। और अभी मैं ऊपर रख दिया था, लेकिन अब मैं दोबारा फिर हटाऊँगी, फिर मुझे याद आ गया अरे हाँ ऊपर वाले खाने में तो हस्बैंड के कपड़े रखना है मुझे, तो बस रख लेती हूँ। तो यहाँ से अभी ये हटा देती हूँ, ध्यान नहीं रहा था तो ऊपर रख दिए थे। और यहाँ पे ना ये कपड़े, इनमें से बहुत सारे कपड़े मुझे छाँटना भी है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े जो हैं जो पीछे रखे थे तो वो बहुत छोटे भी हो गए हैं कुछ कपड़े, और कुछ बाबू के भी हैं जो छोटे हो गए तो वो यूज़ के तो नहीं है, तो उनको मैं निकाल लूँगी तो थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा अलमारी में। और ये भी यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर रख दिए थे मैं कपड़े, तो ये सब हटाए। और बच्चे भी यहाँ पर आ गए हैं, तो बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, बाबू मेरा आ गया, मैं कपड़े पूरे में नीचे फैले पड़े और बाबू भी परेशान कर रहा था, तो मैंने बाबू को बाहर, मैंने कहा बाबू तुम बाहर खेलो जाके, क्योंकि बच्चे के साथ नहीं हो पाता, वो जहाँ हम जो कपड़ा रखना चाहते हैं वो इधर उधर कर देते हैं, बच्चे सेट नहीं करने देते हैं तो भूल भी जाते हैं। तो अभी बच्चे, छोटी वाली बेटी है वो ले गई थी बाहर उसको, और अभी मैं देखिए वो कपड़े जो ऊपर वाले हैं उनको हटा दूंगी, और ऊपर जो हस्बैंड के हैं वो रखूँगी, डेली यूज़ के कपड़े हैं जो हस्बैंड के वही रखूँगी, क्योंकि जो नए हैं न्यू कपड़े तो वो तो ऊपर हैंगर में टंगे हैं जो आने जाने के हैं, और ये जो हैं डेली यूज़ के जो पहनते हैं तो सारे यहाँ पे रख देती हूँ। और ये उनकी सारी पैंट वगैरह हैं जीन्स की और वैसी, और जो वर्दी वाले कपड़े हैं, मतलब वर्दी हैं उनकी, वो भी वो डेली यूज, मतलब डेली पहनते हैं क्योंकि उनको डेली जाना पड़ता है ड्यूटी पे तो उनको पहनना पड़ता है। तो सारी उनकी जितनी भी उनको मैं यहाँ पे रख दूँगी, और जो न्यू है यूनिफॉर्म वो ऊपर हैंगर में टंगी हैं तो उनको यहीं ऊपर ही रहने दूँगी। और ये सेटें वगैरह हैं, एक तरफ सेटें रख देती हूँ उनकी सारी, अभी देख सकते हैं। और
ये इनकी उनके कपड़े, मतलब ऊपर वाला जो खाना है वो उन्हीं के कपड़ों से पूरा फुल हो गया था, और नीचे वाले खाने में बच्चों के, मेरे तीनों बच्चों के और मेरे कपड़े रखे जाएंगे। और काफ़ी कपड़े इसमें से निकले हुए थे, फालतू कपड़े जो छोटे छोटे हैं, और जो बेकार कपड़े हैं उनको निकाल के मैंने अलग कर लिया था। और गर्मियों के जो कपड़े हैं उनको पीछे रख दूंगी, तभी सेट हो पाएगी ठीक से, क्योंकि गर्मियों के कपड़े जो हैं वो अभी यूज़ नहीं होंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है उनको आगे रखने से। अभी ठंडों के कपड़े यूज़ होंगे तो बस वही मोटे मोटे कपड़े आगे रखूंगी। और नीचे वाला भी खाली कर लेती हूँ खाना, अभी देख सकते हो आप नीचे भी थोड़ा सा धूल लग रहा है नीचे। पहले मैंने सोचा यहाँ हटाऊँगी नहीं, ऐसे ही मैं झाड़ लूँगी, लेकिन फिर जो पीछे जो कपड़े थे, और ये देखिए ये हस्बैंड के वो कपड़े हैं जो कि जब हस्बैंड ट्रेनिंग पे गए थे, उनके ट्रेनिंग के कपड़े हैं, तो ये किसी को उतना दिए हैं, हस्बैंड की यादगार है तो उन्होंने ये रखवा दिए हैं संभाल के, तो पीछे रख देते हैं उनके, तो इनके उनके पहले के कपड़े हैं, पीछे रख देते हैं उसको। और नीचे से भी सारे निकाल लेती हूँ कपड़े, और ये देखिए ये उनकी सारी कैप हैं यूनिफॉर्म की, तो जब भी वो मांगते हैं ना तो ये पीछे दबी हुई थी, इतने दिनों से मैं ढूंढने नहीं मिल रही थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, अभी ये वहाँ से मिली है, तो अब मैं हस्बैंड के सारे ऊपर ही रखूँगी, क्योंकि अगर दिक्कत हो जाती है जब वो मांगते हैं तो नहीं मिल पाती है। और अभी ये यहाँ पे भी मैंने देखिए साड़ी बिछा रखी थी, तो ऊपर वाला खाना तो साफ था, लेकिन नीचे वाला जो था वहाँ पे काफ़ी ये जंग्स टाइप के लग गया था, जंग सी, तो उसका जो धूल मिट्टी जो होती वो थी, तो मैं अच्छे से निकाल दूँगी साफ़ करके, उसके बाद ही बिछाऊँगी। तो इसलिए मैंने ये चुन्नी और ये साड़ी बिछा रखी ताकि कपड़ों पे कोई दाग धब्बा ना पड़े। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे वो भी झाड़ लेती हूँ मैं, और उसके बाद यहाँ पे ये चुन्नी मतलब साड़ी है, इसको मैंने डबल करके बिछा रखा था, ये बिछा दूँगी, और फिनाइल की जो गोली है ना वो डाल दूँगी ताकि कोई भी दीमक वगैरह कुछ ना लगे कपड़ों में, और अच्छी सी स्मेल आती रहे। तो अभी देख सकते हैं फिनाइल की गोलियाँ हैं, तो इनको भी डाल देती हूँ, ऊपर भी डाल देती हूँ ऐसे ही, और नीचे भी। बहुत से लोग क्या करते हैं ऐसे कपड़े में लपेट के डालते हैं, अगर वैसे डालना है तो वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे डाला है क्योंकि कपड़ों में लपेट के डालो तो कहाँ से इतने सारे मैं टुकड़े ढूंढूं कपड़े, तो इसलिए मैंने ऐसे डाल दिया है। और ये ऊपर जो कपड़े थे बच्चों के मतलब गर्मी वाले, वो मैंने निकाल के नीचे रख दिए हैं, नीचे वाले खाने में सबसे पीछे रखूँगी ये कपड़े। और तो नीचे वाला खाना भी सेट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो नीचे वाले खाने में देखिए ये कपड़े रखे हैं ज़रूरी ज़रूरी, जो डेली यूज़ के हैं बच्चों के वो आगे रखूँगी, और जो डेली यूज़ के नहीं है वो पीछे रख दूँगी। तो चलिए लगा लेते हैं सारे कपड़े, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये नीचे वाला जो खाना है ये पूरे हस्बैंड के कपड़ों से है ये वाला खाना, तो इसमें मैंने पूरे हस्बैंड का कपड़े ये लगा रखे हैं। और यहाँ पे साइड में थोड़ा सा मेरी चुन्नी वगैरह हैं और बच्चों की ड्रेस वगैरह हैं, और यहाँ पे अपने बच्चों के कपड़े लगा रखे हैं, यहाँ पे अपने लगा रखे हैं। अभी यहाँ पे कपड़े थोड़े से हैं जो गीले हैं, वो सूख जाएंगे, फिर यहाँ पे सेट करूँगी कपड़े। तो बस अभी ये कपड़े इतने सेट कर दिए हैं, और जो न्यू कपड़े हैं तो वो मैं इसमें रख दूँगी, साइड में ही रख दूँगी, नहीं तो फिर बक्से में रख दूँगी। तो बस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, बस मेरी इतनी क्लीनिंग थी जो महंगी है, बाकी कपड़े जो गर्म कपड़े हैं वो मेरे बक्से में रखे हैं, एक बक्से में गर्म कपड़े हस्बैंड के हैं और एक में बच्चों के हैं और मेरे हैं। तो आप लोग को कैसे लगे वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।